प्राइम लोकेशन क्यों है मैं आपको पहले चीज़ दिखाना चाहूँगा। सबसे आगे सामने की तरफ देखोगे अमेठी आपको मिल जाती है, यूनिवर्सिटी मिल जाएगा आपको, JIMS यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, लोधी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, गंगोटिया यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। इसके साथ साथ 3 मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है। 1 किलोमीटर के अंदर जो मेट्रो स्टेशन रहेगा वो आपका रहेगा 148 का और आपका नॉलेज पार्क 2 का, और तीसरा मेट्रो स्टेशन रहेगा वो आपका रहने वाला है परी चौक का। तो दोस्तों मेट्रो 3-3 मिलती है, इतनी एक शानदार फैसिलिटीज़ कनेक्टिविटीज़ मिलती हैं। अभी आप सामने की तरफ वहाँ देखोगे तो आप लोगों का यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है, उसी साइड में आपको मिल जाएगा मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी। बहुत बड़ा, बहुत ही आलिशान ये दोस्तों आप लोगों का प्रोजेक्ट रहने वाला है, और देखते हैं क्या क्या आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलती हैं। दोस्तों आज की ये साइड रहने वाली इस खूबसूरत रास्ते से होते हुए जाता है, पूरा ये जो पक्का रास्ता है आप लोगों के साइड तक जाता है। दोस्तों बहुत ही धमाकेदार आज की ये वीडियो रहने वाली है। इस तरह के मकान का अगर आपका सपना है तो कम से कम बजट में इस तरह के मकान बना सकते हो। आलिशान मकान आप लोगों को एक प्राइम लोकेशन पे तो मिलती है। जो लोकेशन रहेगी ये आप लोगों का नोएडा का सेक्टर 148 मेट्रो के बिल्कुल पास रहने वाला है। ये हमारी पहली साइट थी जो इस कंपनी की है, और यहाँ पे बहुत ही कम इन्वेंट्री बची है। मैंने सोचा आप लोगों को ये अपडेट दे दिया जाए कि जिनको अगर चाहिए बिल्कुल बसावत में, घनी बसावत में, इस तरह की आप देख सकते हैं लोगों ने घर बना रखा है, लोग बना भी रहे हैं। पीछे की तरफ अगर आप लोग देखोगे तो कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से चल रहा है, लोग अपना मकान बना रहे हैं। बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाली है। दोस्तों घरों में मुख्य सुविधाएं होती है बिजली, तो देख सकते हो बिजली की तारें आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगी, लोगों के घरों में बिजली आ रही है प्रॉपर, पानी की सुविधा आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल जाती है। साथ ही साथ समरसेबल वगैरह आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल मीठा पानी यहाँ का रहने वाला है आप लोगों के लिए। और इस टाइप की कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हो, बहुत ही मतलब ये ऐसी लोकेशन है दोस्तों जहां पे लोग लेते ही जमीन अपना घर बनाना शुरू कर दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बड़ी तेजी से यहां पे कर ही रहे हैं। और यहां पे जो गलियां आपको दी गई हैं 25 फीट 20 फीट 22 फीट की यहां पे गलियां देखने को मिल जाती हैं। अगर आप लोगों ने प्लानिंग कर रखी है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर रहना चाहते हो, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे आप दोनों चीजें कर सकते हो। गली के अंदर सुविधाएं चाहिए होती है बिजली की, तो आप लोगों को दिखा दूं मैं, यहां पे देख सकते हैं बिजली के पोल्स लगे हुए हैं। सिर्फ पोल्स ही नहीं लगे हुए, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी आप लोगों को यहां पे देखने को मिल जाएंगी। एक चीज दिखाना चाहूंगा, अगर आप इन्वेस्ट करते हो सामने की तरफ आप देख सकते हैं ATS वालों के हाई राइज प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, बिल्कुल इसी के अपोजिट में रहने वाला ये प्रोजेक्ट है। कल को जो आपको डेवलपमेंट मिलने वाली है, जो कल के फीचर्स अपडेट्स होंगे आप लोगों को यहीं पे मिलने वाले हैं, और अभी भी यहाँ पे मिलते हैं। सामने की तरफ ही आप देखोगे स्कूल्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे वेंकट हॉल आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो मैम अभी हम खड़े कहाँ पर हैं? मेट्रो स्टेशन नॉलेज पार्क 2, यहाँ से परी चौक 500 मीटर की दूरी पे है। परी चौक 500 मीटर की दूरी पे परी चौक मिल रहा है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूँ, ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, यहाँ से आप आगे जाइएगा तो यमुना एक्सप्रेसवे आपको टच करेगी। तो यमुना एक्सप्रेसवे कितनी दूरी पे रहेगा यहाँ से? मात्र आपको 500 मीटर की दूरी, यानी 500 मीटर दूरी पे अपना यमुना एक्सप्रेसवे मिल जाएगा, 500 मीटर की दूरी पे परी चौक मिल जाएगा, और बिल्कुल नॉलेज पार्क टू मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारी साइड है। 1 किलोमीटर दूर रहेगा मेट्रो से दोस्तों, बहुत मतलब एकदम प्राइम लोकेशन पे है। और सबसे पहली बात किया जाए अगर वो एजुकेशन के लिए, तो देखिए सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गलगोटिया है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, और ये सामने देख लीजिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय है कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी। यहाँ पर टोटल 126 यूनिवर्सिटी है सर, जिसमें शारदा है, मॉल वगैरह है, और 126 यूनिवर्सिटी है। सो दोस्तों मैं आपको मिलवाता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट पर्सन अंजू मैम के साथ। नमस्कार मैम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक है मैम। बहुत ही बढ़िया लोकेशन लगी मेरे को, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, कैसे लेके आ गए ये प्रोजेक्ट आप? सर क्या बताएं, आप लोगों के आशीर्वाद है तो लेकर के आ गए हैं, आप लोग का साथ है, आप सबका विकास है जी। तो दोस्तों आप सबका विकास, आप लोगों के प्रॉफिट के लिए सारी चीज़ें रहने वाली हैं। और एक चीज़ बता दिया जाए आप लोगों को, कनेक्टिविटी मैम बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक बार आप थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए हमारे लोगों को कि कौन सी लोकेशन है ये अपनी? ये है प्रॉपर ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2। अच्छा, मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन। अच्छा जी, जी। तो नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी रहेगा। कनेक्टिविटी कैसी मिलती है? कनेक्टिविटी सर बिल्कुल, आप यहाँ से निकालिए, सामने में अपनी कन्वेंस है तो अपनी गाड़ी से आइएगा प्रॉपर साइड पे, बाहर निकल जाएगा, देखिए सामने ये जो है अमेठी का कॉलेज है, इसके बगल में ऑटो रिक्शा वगैरह सारा चीज मिल जाएगा। अच्छा, आगे जाइएगा आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगी, तो कनेक्टिविटी तो यही चाहिए। ओके, अगर मैं बात करता हूँ जो आपने कॉलोनी है आपकी, कितनी बड़ा प्रोजेक्ट है अपना? ये टोटल हमारी मतलब 100 बीघे के आसपास, 100 बीघे से ऊपर, 100 बीघे के ऊपर का प्रोजेक्ट रहेगा। और ये गेटेड रहने वाला है क्या सामने की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल, गेटेड सोसाइटी, सीसीटीवी कैमरा। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे का। अच्छा, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे रहने वाली जी। सीवर डाल के दे रहे हैं, ठीक है, सीवरेज मिलेगा, रोड इंटरलॉकिंग रोड दे रहे हैं, रोड की साइज आपको मिल जाएगा 30 फीट 25 फीट और 18 फीट और ये 20 फीट का। अच्छा, 20 फीट यानी ये जो मेन रास्ता है वो बिल्कुल आपको
लॉयड के सामने निकल रहा है सर। अच्छा, ये लॉयड से कनेक्ट हो रहा है। बिल्कुल लॉयड से। कितनी एंट्री रहेंगी अपने कॉलोनी के अंदर? एंट्री हमारी तीन है। अच्छा जी जी, एक फर्स्ट एंट्री है जी जो 30 फीट का है। ओके। एक दूसरा एंट्री है वो 25 फीट का है जो आपका मेटी के सामने निकल रहा है, ठीक है, और एक 20 फीट का है जो आपको लॉयड के सामने निकल रहा है। अच्छा, मतलब तीनों यूनिवर्सिटी की तरफ के निकल जा रहे हैं। तो इस साइड जो है दोस्तों अपना JMS वाली यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, मतलब तीन यूनिवर्सिटी की कनेक्टिविटी मिलने वाली है, यानी कि अगर कोई यहाँ पे लेता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत बेहतर है। अच्छा, आप यहाँ PG बनाइए, हॉल बनाइए, और आपको गेस्ट हाउस बनाइए, अच्छा, रेस्टोरेंट बनाइए, अच्छा, और ये होटल वगैरह जो भी आप अपना बिजनेस पर्पस से, अच्छा, काफी अच्छा इनकम आप ले सकते हैं। ओके, यानी बिजनेस पर्पस से अगर आप लोग, दोस्तों इसका मतलब ये हुआ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ताबड़तोड़ और एकदम अच्छी ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए रहने वाला है। देखो PG के लिए फायदा ही हो जाएगा क्योंकि यूनिवर्सिटी ही यूनिवर्सिटी है, तो रहने होने की कोई इशू बच्चों को नहीं होगी अगर आप लोग यहाँ करते इन्वेस्टमेंट कर लोगे। प्लस अगर मैं बात करता हूँ बिजली पानी का क्या रहता है यहाँ पे अपना? बिल्कुल, बिजली पानी सर आपको सीवर नाली बिजली सारा कुछ करके दे रहे हैं, अपडेट करके अच्छा दे रहे हैं। लाइट देखिए, इसमें आपको लाइट वगैरह चल रहा है, अभी 2-3 दिन में हमारी लाइट के खंभे वगैरह लग जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब काम अपडेट मतलब चालू है। अच्छा, 1-2 दिन के अंदर ही लग जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें तो आपकी होती होती है, इम्पोर्टेंट होती है जमीन की वेरिफिकेशन। तो जमीन किस टाइप की है, लोगों के लिए कैसा रहेगा ये? बिल्कुल, ये सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है जो आवासीय में है, रजिस्ट्री दे रहे हैं, म्यूटेशन दे रहे हैं। ठीक है, और कब्जा लीजिए, घर बनाइए, आराम से आप आइए, रहिए। कोई यहाँ पे अगर इन्वेस्ट कर रहा है, लेना चाह रहा है, तो पेमेंट मोड क्या रहेंगे अपने आप? पेमेंट मोड सर देखिए, ज्यादा से ज्यादा हम दे रहे हैं 50% पे, 25% पे कब्जा दे रहे हैं, 50% पे रजिस्ट्री दे रहे हैं, और बाकी 50% के लिए 5-7 महीने का टाइम भी दे रहे हैं। ओके, और बैंक लोन का सुविधा भी दे रहे हैं। अच्छा, यानी बैंक लोन सुविधा रहेगी, प्लस अगर आप कैश में ही लेना चाहते हो तो मतलब कैश में ले सकते हो, बाकी कुछ टाइम चाहिए तो 5-6 महीने का टाइम पीरियड मतलब मिल जाएगा। यानी दोस्तों ये एक सोने पे सुहागा वाली प्रॉपर्टी है, अभी जितने जल्दी आओगे जितने जल्दी ले लोगे उतना अच्छा रहेगा। तो अगर मैं रेट की बात करता हूँ, पर गज क्या अभी चल रहा है यहाँ पे? पर गज अभी यहाँ पर चल रहा है 23,000 गज। कितना? 22 से 23 के बीच। 22 से 23,000 रुपए गज रहने वाले इतनी प्राइम लोकेशन पे। जी जी, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ ये प्रोजेक्ट आप लोगों को मात्र 23,000 रुपए गज, एकदम सस्ता प्रॉपर्टी आपको मिलती है। अच्छा, तो 23,000 में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, 25% पे रजिस्ट्री कब्जा दे रहे हैं। अच्छा, कब्जा दे रहे हैं, और 50% पे रजिस्ट्री। ठीक है, 50% पे रजिस्ट्री दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, अभी क्या डेवलपमेंट चल रही है अपने यहाँ पे? अभी देखिए साइड पे आप लोग देख रहे हैं, लोगों का बाउंड्री चल रहा है, रोड का काम देख लीजिए, सारा मटेरियल वगैरह गिरा हुआ है ना आपको। अच्छा जी, मतलब रोड वगैरह गिर चुके हैं यहाँ पे? रोड का काम चालू है जी, और इंटरलॉकिंग आने वाला है, जो टाइल्स लगेगा वो आने वाला है। ठीक है, सीवर देखिए, सीवर का काम सामने, सीवर की पाइप आई हुई है। अच्छा, ये सारा काम चालू हो रहा है, सारा काम चालू, रुकने वाला नहीं है, सारा काम चालू, मतलब चालू रहेगा दोस्तों। मटेरियल वगैरह भी देखिए, ईंट वगैरह सारा ला करके रखे हुए हैं, सारे काम आपको। अच्छा, ये पीछे की तरफ हमें क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिल जा रहा है। क्रिकेट स्टेडियम है सर। मतलब कि देखो दोस्तों, ऐसी साइड मिलना मुश्किल ही है, ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका आप लोगों के पास आ रहा है कि इस तरह की वीडियो अगर आप तक पहुंची है। पार्क का सुविधा भी दे रहे हैं, मंदिर और पार्क की सुविधा भी रहेगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग तक आई है ना, इसका मतलब ऊपर वाला भी चाहता है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करें और अपने यार दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। पर बात करते हैं कि साइज का, कम से कम क्या साइज यहाँ पे ले सकता है इंसान? सर अगर फार्म हाउस की बात किया जाए ना, सामने में कुछ फार्म हाउस भी है, अगर फार्म हाउस के लिया जाए तो कम से कम 1,000 गज की दी गई है। अच्छा, 1,000 गज का प्लॉट के लिए, रेजिडेंशियल के लिए आपको कम से कम 100 गज का प्लॉट। अच्छा जी, अगर आपको रेजिडेंशियल चाहिए 100 गज कम से कम ले सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज आपके लिए मिल जाती है। इस जगह पे तो 100-200 गज तो लेना बनता ही बनता है, इन्वेस्टमेंट करो चाहे PG करो चाहे जो मर्जी आप लोगों का वो करो। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को सारी डिटेल समझ आई होगी और हमने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करी है। अगर होती है तो आपको करना क्या है, स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करिए। कॉल करके कहाँ ना मैम, ऑफिस कहाँ रहेगा अपना? ऑफिस हमारा नोएडा सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन। अच्छा, 142। और अगर किसी को साइड भी आना है तो साइड पे कैसे? साइड पे आने के लिए सर आप कॉल कर लीजिए, अगर हमारे पास गाड़ी की सुविधा, हम गाड़ी की सुविधा विजिट करवा देंगे जी, और मेट्रो की सुविधा है मेट्रो से आ जाए, मेट्रो से तो नॉलेज पार्क 2 पे आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, मेट्रो से पास में पड़ता है नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन। ओके, तो दोस्तों जल्दी जल्दी कॉल करिए जो स्क्रीन पे नंबर है। हम मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।